चाहूंगा आप मेरे साथ बने रहिए। जयपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्य सचिव सुधांशु पंत जो हैं, वो अभी मुख्य सचिव के अचानक भवन पहुंचने की खबर सामने आई है। कर्मचारियों में हड़कंप पहुंच अभी, क्योंकि देखिए मुख्य सचिव सुधांशु पंत के भवन पहुंचने की खबर और जितने कर्मचारी हैं उनमें हड़कंप है। अधिकारी और कर्मचारी एक दूसरे को फोन करके कार्यालय पहुंचने की सूचना दे रहे हैं और आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए ये तस्वीरें आप देखिए, सुधांशु पंत इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। ये कैमरा पीछे से अभी देख पा रहे होंगे आप, सुधांशु पंत इन तस्वीरों में है और जैसे ही वो पहुंचे उनके औचक निरीक्षण की वजह से आप आसपास चेहरे देखिए सभी के। अधिकारी जो हैं वो अचानक से डर गए हैं, वो अधिकारी जो लापरवाह हैं, वो अधिकारी जो वहां पर मौजूद नहीं है, उन लोगों में हड़कंप मचा हुआ है कि अचानक से मुख्य सचिव यहां पर आते हैं लेकिन उनके सामने बहुत से ऐसे अधिकारी जो इस वक्त मौजूद नहीं। सीढ़ियों से उतरते हुए सुधांशु पंत, उनके साथ वहां पर मौजूद जितने कर्मचारी हैं, जितने आला अधिकारी हैं, उनसे जानकारी लेते हुए सुधांशु पंत को, मुख्य सचिव को आप इन तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। अलग अलग शाखाओं में वो निरीक्षण कर रहे हैं, अलग अलग विभागों के कमरों में जाकर वो निरीक्षण कर रहे हैं और जी राजस्थान आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है जहां पर मुख्य सचिव सुधांशु पंत पहुंचे हैं। अधिकारी और कर्मचारी एक दूसरे को फोन करके कार्यालय पहुंचने की सूचना दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके आइए। मेरे सहयोगी दामोदर मेरे साथ जुड़ गए, सीधे दामोदर का रुख कर लेते हैं। दामोदर, अभी ये सुधांशु पंत के पहुंचने की तस्वीरें और बहुत से अधिकारी जो अब भी पहुंचे नहीं है कार्यालय, उन लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। देखिए क्योंकि ये सुबह जो ऑफिस कार्यालय जाने का समय होता है 9:30 बजे, उससे पहले ही जैसे ही चीफ सेक्रेटरी वहां पहुंचे हैं तो जो कर्मचारी जो अधिकारी वहां पे पहुंचे हैं तो उन्होंने अपने ही साथियों को या अपने स्टाफर्स को ये कह रहे हैं कि तुरंत फोन करके जो स्टाफ है उनको बोले कि वो पहुंचे, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी का यहाँ कर भवन में दौरा है। वो जो कर भवन की जो विभिन्न शाखाएं हैं, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट की कॉस्ट को भरने का काम करता है ये कर भवन, क्योंकि पिछली साल की बात करें तो 56,000 करोड़ का रेवेन्यू दिया था राज्य कोष में, तो ऐसे में इस बार भी 56,000 से ज्यादा बढ़कर ही कोष जाएगा। तो इसके साथ साथ जो कर भवन के जो मुख्य कमिश्नर हैं यानी मुख्य आयुक्त हैं, उनको जो चुनाव आयोग ने है उन्होंने भी सम्मानित किया, क्योंकि विधानसभा में जिस तरीके से इन्होंने जो काम किया था उस काम की प्रशंसा करते हुए इनके एक जो सर्टिफिकेट है वो उससे सम्मानित किया गया था अच्छे कामकाज को लेकर। तो ऐसे में आज जैसे ही चीफ सेक्रेटरी के दौरे यहाँ कर भवन पहुंचे हैं और कर भवन में ये जो विभिन्न जो शाखाएं हैं कर भवन की, उनमें जाकर वो जांच भी कर रहे हैं, कामकाज भी देख रहे हैं किस तरीके से कामकाज कर रहे हैं अधिकारी। दामोदर एक चीज करेक्ट कर दीजिएगा, क्योंकि जैसा कि हमने अपने दर्शकों को बताया कि एक दूसरे को फोन करके कार्यालय पहुंचने की सूचना वहां पर मौजूद अधिकारी दे रहे थे, तो क्या इसका कारण ये था कि मुख्य सचिव ऑफिस के समय से पहले पहुंच गए, या इसका कारण ये था कि बहुत से ऐसे अधिकारी थे जो अनुपस्थित थे? मैसेज पॉजिटिव जा रहा है, नेगेटिव जा रहा है, थोड़ी सी क्लैरिटी आपसे इस पर भी चाहिए। देखिए क्योंकि समय से पहले ही चीफ सेक्रेटरी पहुंचे और वो ये देखना चाहते हैं कि समय पर स्टाफ आता है नहीं आता है, और उसी आधार पर ही ये तय किया जाएगा कि कौन लेट जो कि कार्यालय पहुंचते हैं, कौन समय पे पहुंचता है, कौन अनुपस्थित रहता है बिना सूचना के। तो ये पूरी जानकारी इस समय के दौरान ही कंफर्म हो पाएगी। तो इसी दौरान जिस तरीके चीफ सेक्रेटरी का आज ये दौरा हुआ है, पहले सुबह सुबह मॉर्निंग ऑफिशियल टाइम से पहले ही पहुंचना, तो ये कंफर्म करेगा कि कार्यालय में कितना स्टाफ समय पर पहुंच रहा है। तो ये अभी क्योंकि दौरा ठीक है। दामोदर बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम तस्वीर